पुत्र शुंभ का वध करने के लिए तुम्हारी माँ को सभी मातृक शक्तियों की आवश्यकता है। हम सभी ने तो सप मातृकाओं के रूप में अपनी शक्तियां तुम्हारी माँ को प्रदान कर दी हैं, किंतु अष्ट मातृका शेष है और वो मातृका है विनायकी। विनायकी, विनायकी। उचित समय पर उचित कार्य करने का समय आ गया है पुत्र। पुत्री, ये भी स्मरण रखो, तुमने अपना विनायकी रूप मुझसे भेंट करने के लिए धारण नहीं किया है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। अवश्य माता। विनायकी, मैं अनुरोध करता हूँ, अब बाहर प्रकट हो जाओ। नीलाभा नीज वर्णा च नीज लोहित पिंगला सज वक्त्रा महाकाया त्रिनेत्रा मुखोज्ज्वला लंबोदरा स्थूलहलस्वा चतुर्भुज कृपायुधा मोदकं दशदमुपावे पशुं सूत्रं च दक्षिणे वर्णमाला शिरे तस्या वर्णहारावलम्बिनी आसु कृष्ण समारूढा सर्वावरणमर्चिता विनायकी महादेवी सज चर्म परीक्षिता विनायकी महादेवी विनायकी महादेवी गज जन्म परीक्षिता क्या है ये? कैसी माया है ये? भला बुरा कहकर उसका अपमान किया, इसलिए अब समय आ गया है कि हम सभी तुम्हें नारी शक्ति का उचित परिचय दें। मुझे ये वरदान दीजिए ब्रह्मदेव कि मेरा वध भी नारी शक्ति से ही हो और वो नारी जो मेरे ही शरीर से उत्पन्न हो अर्थात पुरुष के शरीर से जिस नारी का आविर्भाव हो वही मेरे अंत का कारण बने। तथास्तु, तथास्तु। शुम, तुम्हारे वरदान को निरस्त करने हेतु मैं देवी कौशिकी त्रिदेवों और समस्त देवताओं की स्त्री शक्ति की सहायता से तुम्हारे भीतर की स्त्री शक्ति को बाहर खींच लूंगी। संसार के प्रत्येक प्राणी में मेरी ही शक्ति है मूर्ख। मेरी शक्ति के बिना तो कोई अपनी उंगली गतिमान तक नहीं कर सकता। तुम्हारे भीतर भी मेरी ही शक्ति का वास था जिसे बल प्राप्त कर तुम खड़े तक हो सकते थे,
किंतु तुम अपने पौरुष के अहंकार वश इस स्त्री शक्ति का मूल्य ही नहीं समझ सके मूढ़मति शुंभ। तो अब मैंने वो शक्ति लौटा ली है। मुझे क्षमा कर दीजिए देवी, मैं नारी शक्ति का महत्व समझ गया हूँ कि नारी सभी को शक्ति प्रदान करती है। मुझे सुधरने का एक अवसर प्रदान कीजिए, मेरे निकट आकर अपना स्थान ग्रहण करो। यहाँ की सभी नारियां, सभी देवियों को खींच के लेके आओ वहां से। जाओ धूम्रलोचन, उसे मेरा संदेश दो कि यदि वो मेरे दंड से अपनी रक्षा करना चाहती है तो यथाशीघ्र मुझसे विवाह करने के लिए यहाँ प्रस्तुत हो। नहीं, तुम्हें अनेकों अवसर प्रदान कर चुकी हूँ मैं, अब तुम्हें और अवसर नहीं दूंगी मैं। पुत्री, मुझे भी ज्ञात है इस असुर में अभी भी प्राण शेष है। तू मेरा वध करेगी, तुम्हें इतना आत्मविश्वास है? अब समय आ गया है सब नारी शक्ति को एकत्रित होने का। कैसे करूं? आप
के पश्चात आज माँ से भेंट हुई है। अंततः माँ कैलाश लौट आई। माँ, शुम निशुम के अंत में आप सभी का बहुत बड़ा योगदान है। माँ, अब मुझे भी अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त हो गया कि आपने क्यों माँ मातंगी का रूप धारण किया और फिर माँ मातंगी से आप माता कौशिकी क्यों प्रकट हुई। ये आपकी ही तो लीला थी माँ, जिसका उद्देश्य था सृष्टि को शुंभ निशुंभ के आतंक से मुक्त कराना। तो क्या अब तुम्हारी जिज्ञासा शांत हो गई पुत्र? माँ, मैं सोच रहा था कि अभी भी मेरा एक प्रश्न शेष है। शेष है? क्या प्रश्न शेष है पुत्र? भैया महान है, उनसे बहुत स्नेह है मुझे, किंतु सत्य तो सत्य है ना माँ? तो क्या ये तुम्हारा प्रश्न है? नहीं माँ, मैं भैया की अब मानना कभी नहीं कर सकता, किंतु ये सत्य है ना माँ कि मेरी नारी शक्ति विनायकी भैया की नारी शक्ति देवी कौमारी से अधिक सुंदर है ना?
अधीरता से मैं क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी जब मुझे अपने निवास में अपने परिवार के साथ रहने का अवसर प्राप्त होगा। अब वो समय आ गया है। रुकिए मां, आप अभी भीतर नहीं जा सकती। भीतर नहीं जा सकती? क्यों? उसका भी कारण आपको शीघ्र ज्ञात होगा माँ, किंतु उसके लिए आपको अपने नेत्र बंद करने होंगे। नेत्र बंद करने होंगे, किंतु क्यों? क्योंकि हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं माँ, बस इसीलिए। उमा, यदि यही तुम्हारे पुत्रों की इच्छा है तो भवन में प्रवेश करने हेतु तुम्हें अपने पुत्रों का निवेदन तो स्वीकार करना ही होगा। अच्छा, यदि आप सभी की यही इच्छा है तो लो, मैंने अपने नेत्र बंद कर दिए। माँ, अब आप आगे बढ़िए, किंतु जब तक मैं ना कहूँ आप अपने नेत्र नहीं खोलेंगी। उचित है मां, अपने नेत्र खोलिए। कैलाश लौटने पर हम सभी का स्वागत स्वीकार कीजिए माँ। इतना सुंदर स्वागत नाथ, कैलाश की ऐसी सुंदरता, मेरे पुत्रों और आपके द्वारा अपने इस भव्य स्वागत से मैं भाव विभोर हो रही हूँ। आओ माँ, कैलाश का कण कण तुम्हारा स्वागत करने के लिए अति उत्साहित है। देवी पार्वती, आपके स्वागत की समूची व्यवस्था गणेश और कार्तिकेय ने ही करी है। ये साज सज्जा, मेरा स्वागत अद्भुत, अति सुंदर है गणेश। यहाँ से, कैलाश से, मेरे स्वामी से और तुम दोनों से दूर रहकर मैं अति विचलित थी, किंतु आज जैसे मैंने पुनः सभी सुख प्राप्त कर लिए हैं। माँ, अब आप कैलाश लौट आई हैं, तो सब कुछ यथावत हो जाएगा। हाँ माँ, आपके बिना तो जैसे संपूर्ण कैलाश जीवन के आनंद का अनुभव करना भूल गया था, किंतु अब कैलाश पुनः आनंदित हो उठेगा। देवी पार्वती, आपने यहाँ से दूर जाने का कष्टप्रद निर्णय लिया, अन्यथा शुंभ और निशुंभ का वध असंभव हो जाता। किंतु ब्रह्मदेव, यदि पुत्र गणेश मेरी सहायता के लिए प्रस्तुत नहीं होता, अपना विनायकी रूप धारण नहीं करता और अन्य देवताओं को उनका स्त्री रूप उजागर करने के लिए प्रेरित नहीं करता, तो शुम निशुम का वध कदाचित मेरे लिए भी असंभव था। माँ, इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं, मैंने तो वही किया
जो आपका आदेश था और मेरा कर्तव्य। महादेव, देवी पार्वती, अब हमें आज्ञा दीजिए। हमें ज्ञात है आप पुत्र गणेश और पुत्र कार्तिकेय के साथ समय व्यतीत करने के लिए उत्सुक होंगी। कितना कुछ कहना और सुनना होगा आप सभी को, है ना? अवश्य देवी सरस्वती, किंतु आपके प्रस्थान करने से पूर्व मुझे आप सभी से कुछ कहना है और एक अत्यंत आवश्यक और विशेष घोषणा करना चाहती हूँ। और ये घोषणा गणेश के विषय में है। मैं समझ गया माँ, कल भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है, अर्थात मेरा जन्मदिन। आप अवश्य उसके उपलक्ष्य में उत्सव की घोषणा करने जा रही हैं। तो शीघ्र कहिए ना माँ, गणेश को लेकर क्या विशेष घोषणा करनी है आपको? अरे वाह भैया, जन्मदिन मेरा है और उत्साहित आप हो रहे हैं, उचित है, क्योंकि मेरे जन्मोत्सव की संपूर्ण व्यवस्था तो आपको ही करनी होगी ना। पुत्र गणेश, आज मैं तुम्हें ये आशीष देती हूँ कि आज से तुम केवल देवताओं के ही नहीं समस्त जगत के संकट हरोगे, सबके तारण हार बनोगे। उचित है माँ, किंतु मेरा जन्मदिन। हाँ हाँ, उचित कहा आपने। गणेश बुद्धि में श्रेष्ठ है और युद्ध कौशल में भी पारंगत है। शक्ति और युक्ति का अद्भुत मेल है इसमें, इसलिए संसार के कष्ट हरने का दायित्व वो भली भांति निभा सकता है। हम सभी गणेश के लिए अत्यंत प्रसन्न हैं। अरे अनुज गणेश, क्या हुआ? माँ ने इतनी बड़ी घोषणा की, इतना बड़ा दायित्व सौंपा है तुम्हें, फिर भी तुम प्रसन्न क्यों नहीं प्रतीत हो रहे हो? ऐसा नहीं है भैया, माँ मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ। उचित है फिर। महादेव, देवी पार्वती, अब हमें भी आज्ञा दीजिए। ओ माँ, अब मेरा भी ध्यान का समय हो गया है। माँ, मुझे भी एक अत्यंत विशेष कार्य के लिए जाना है, मुझे अनुमति दीजिए, मैं वो कार्य संपन्न कराऊं। उचित है पुत्र। नहीं पुत्र, मैं तो कुछ नहीं भूल रही। मुझे ज्ञात है तुम क्या संकेत कर रहे हो, इतनी महत्वपूर्ण बात भला मैं कैसे भूल सकती हूँ। मैं तो व्यर्थ ही चिंतित हो गया, माँ को तो स्मरण है कल मेरा जन्मदिन है। स्मरण है मुझे पुत्र, सायं संध्या का समय हो चला है, तुम मेरी हर बात का कितना ध्यान रखते हो, उसके लिए तुम्हें अनेकों धन्यवाद और बहुत सारा आशीष पुत्र। उचित है, अब मैं जाकर पूजा की तैयारी करती हूँ। ये क्या, माँ ने तो मेरे जन्मदिन का उल्लेख भी नहीं किया, वो मेरा भी जन्मदिन भूल गई। मुझे विश्वास है प्रभु।
मूषक जी, मुझे भूख नहीं लगी है। आपको भूख नहीं लगी है प्रभु? ये आप क्या कह रहे हैं? क्या हो गया है आपको प्रभु? अवश्य कोई गंभीर चिंता सता रही है आपको। गंभीर चिंता तो है ना मूषक जी, अब आप ही कहिए, कल मेरा जन्मदिन है और। आपका जन्मदिन कल? ये तो अत्यंत प्रसन्नता की बात है प्रभु, फिर तो बहुत आनंद आएगा, कैलाश में बहुत बड़ा उत्सव होगा। कैसा आनंद मूषक जी? उत्सव तो तब होगा ना जब किसी को मेरा जन्मदिन स्मरण होगा। हाँ, पिताश्री, भैया और माँ को भी, किसी को जैसे कुछ स्मरण ही नहीं। आप समझा, ये तो अत्यंत गंभीर विषय है प्रभु। माँ इतने दिनों बाद कैलाश लौटी है तो क्या इसलिए उनका ध्यान अनेक और बटा हुआ है, और इसलिए वो भी मेरा जन्मदिन भूल गयी? आप तो माता के प्रिय पुत्र हैं, उनके नेत्रों के तारे हैं आप, उनका ध्यान कहीं भी क्यों ना हो, वो कैसे भूल सकती हैं आपको प्रभु? तब तो ये और भी दुख की बात है मूषक जी, क्योंकि अकारण ही भूल गयी हैं वो, तो क्या उनके लिए मेरे जन्मदिन का कोई महत्व ही नहीं? वो भूल गए तो भूल गए, कोई बात नहीं, आप ही सबको बता दीजिए प्रभु। नहीं मूषक जी, ये कैसी बात है, मेरा ही जन्मदिन और मैं ही सबको स्मरण दिलाऊं? बात तो आप भी उचित कह रहे हैं प्रभु, अपने मुख से ही अपनी बात कहना तो उचित नहीं। हाँ, अब जैसे जब हम किसी युद्ध के लिए जाते हैं तो मैं कितना श्रम करता हूँ, आपको आपके संपूर्ण भार के साथ उठाकर ले जाता हूँ, आपको सुरक्षित युद्ध स्थल तक पहुँचाता हूँ, किंतु प्रशंसा किसकी होती है? आपकी। किंतु मैं कभी आगे बढ़कर कहता हूँ कि आपकी सफलता में मेरा ही योगदान है, नहीं, कभी नहीं, मैं तो सदा आपकी जय जयकार होने देता हूँ, क्योंकि प्रभु हैं आप मेरे, इसलिए मैं आपकी पीड़ा अब भली भांति समझ सकता हूँ प्रभु। किंतु आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि मुझे तो आपका जन्मदिन ज्ञात है ना, मैं कल आपको बधाई भी दूंगा और आपका जन्म दिवस भी बहुत धूमधाम से मनाऊंगा। जन्म दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं प्रभु। लीजिए प्रभु, लड्डू ग्रहण कीजिए, हम दोनों आपके जन्मदिन का उत्सव मनाते हैं। मैं कोई उत्सव नहीं मनाऊंगा मूषक जी, और आप भी किसी को मत बताइएगा, यदि उन्हें मेरा जन्मदिन स्मरण नहीं तो मैं भी किसी को नहीं बताऊंगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गणेश, गणेश कहाँ हो तुम? क्या हुआ, इतने तीव्र स्वर में क्यों पुकार रहे हैं मुझे भैया? मूषक जी, क्या मुझे भ्रम हुआ है या आपने भी वही सुना जो मैंने सुना? हाँ प्रभु, मैंने भी सुना, ये तो देव सेनापति कुमार कार्तिकेय का ही स्वर है। गणेश, गणेश तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कितने समय से मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ, मेरी ध्वनि तुम्हें सुनाई नहीं दी, तुम उत्तर क्यों नहीं दे रहे थे? क्या हुआ भैया, आप इतने चिंतित क्यों है? वो माँ तुम्हें कब से? गणेश माँ। माँ को क्या हुआ, क्या हुआ माँ को? वो माँ को, गणेश अभी तुम्हारे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं है मेरे पास, तुम शीघ्रता करो, चलो मेरे साथ। हाँ आओ। रुकिए भैया, मैं अभी आ रहा हूँ। आप देखें आज की तिथि में चित्रगुप्त की सूची में किसकी कहां मृत्यु निश्चित हुई है। आज तो भाद्रपद का शुक्ल पक्ष है।
भवन के द्वार की रक्षा करूंगा। मैं आपकी सेवा करने ही तो आया हूँ ना माँ। ये कैसा संयोग बन रहा है? ये क्या प्रथम पूज्य गणेश जी पर पुनः संकट? ये तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे धर्मराज यमराज जी को यथाशीघ्र सूचित करना होगा। रुकिए भैया। रुकिए भैया। भैया रुकिए। माँ आप कुशल तो है ना? वो भैया मुझे बुलाने आए थे। बहुत चिंतित और व्यग्र प्रतीत हो रहे थे वो। उन्होंने कहा, अनुज गणेश आओ मेरे साथ। माँ पुत्र गणेश जन्मदिन की अनेकों शुभकामनाएं पुत्र। माँ आपको मेरा जन्म दिवस स्मरण था? माँ अपने जीवन का सर्वाधिक पावन दिवस मैं कैसे भूल सकती हूँ गणेश? और ना केवल मुझे ही, तुम्हारे पिताश्री, तुम्हारे भ्राता नंदी जी और अन्य गणों को भी स्मरण। कोई भी नहीं भूला तुम्हारा जन्मदिन। देवता हो या मानव, नियति सभी को विवश कर देती है, परंतु बुद्धिजीवी वही हैं जो हर परिस्थिति का सामना करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।